है फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2020 के बारे में, जिनकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है 6 नवंबर से, जिसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर है। ठीक है, जैसे कि आपको ये नोटिफिकेशन दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, नीचे अगर इसके एग्ज़ाम की बात करो तो वो 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच होगा। टायर 2 नोटिफाई कर दिया जाएगा जिस हिसाब से होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो इसकी जो भी डिटेल्स है नीचे आपको दिख रहा होगा इसमें स्क्रीन के ऊपर, पे स्केल हो गया जैसे, तो इसमें सारी डिटेल्स आपको दी हुई है नोटिफिकेशन में, चाहे वैकेंसीज की बात हो। तो उसकी फ़ीस की बात करें तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री है, और जो एप्लीकेंट्स एससी एसटी या फिजिकली डिसेबल हैं उनके लिए भी फ्री होगा। जनरल कैटेगरी की बात करो तो 100 रुपीज़ इसका फ़ीस चार्ज होगा। तो इस नोटिफिकेशन को आप डिटेल में पढ़ लें। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का लिंक का मिलेगा, वो आप सिंपली क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप ये नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ें, इसमें सिलेबस, एज क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन सेंटर्स डिटेल्स में दिए हुए हैं, तो आप इसको रीड। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना होगा ssc.nic.in, जो आपको वेबसाइट आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, वो आपको सिंपली अपने गूगल पर सर्च करनी है ssc.nic.in। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो इसकी ऑफिशियल साइट होगी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से इनकी ऑफिशियल साइट है, आप नोटिफिकेशन लेटेस्ट न्यूज़ आपको देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप न्यू यूज़र और रजिस्ट्रेशन नो पे क्लिक करें। अगर आपने मेरी वीडियो पहले वाली नहीं देखी है तो आप वीडियो को देख लें, वहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू यूज़र की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, ऊपर आपको लॉगिन करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पहले का होगा अगर आपने पहले इस पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हुए हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा अपना। एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, नेक्स्ट पासवर्ड आपको अपना डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे आप कैप्चा कोड दिख रहा होगा, आपको सिंपली कैप्चा कोड फिल करना होगा। कैप्चा कोड देखिए WC52Y, ये आपको सिंपली फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपको सिंपली देखना है लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस में आपको बहुत सारे यहाँ पे दिखेंगे, जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म या इस करंटली एसएससी में फिल हो रहे होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट में दिख रहा होगा कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020। तो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एप्लीकेशन स्टार्ट डेट एंड डेट, सब कुछ ब्रीफली बताया हुआ है इन्होंने, तो आप इसको रीड कर लें। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इस एप्लीकेशन मतलब अपना जो भी आपने पहले का फॉर्म फिल किया हुआ है उसमें अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे मॉडिफाई एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको नीचे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल होगी जो आपने पहले फिल की होगी। तो आप अच्छे से इसको रीड करते हैं, अगर आप चेंजेस लाना चाहते हैं तो इसको मॉडिफाई करते हैं। फर्स्टली आपको करना क्या होगा, अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर चूज़ करना है आपका। तो नेक्स्ट आपको एग्जामिनेशन सेंटर 2, एग्जामिनेशन सेंटर 3, ऐसे कि मैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर से यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जम्मू, हाँ तो जम्मू मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आप कोई भी सेलेक्ट करते हैं, ऐसे चंडीगढ़ में सेलेक्ट करूँगा सेकंड, तो मैंने सेकंड चंडीगढ़ सेलेक्ट कर दिया। और थर्ड यहाँ पे मैं अपना ले सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वह यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा। नेक्स्ट आपका आता है कि आपका 12th जो पास्ट है साइंस स्ट्रीम में, उसमें आपने मैथ अपना सब्जेक्ट रखा था या नहीं रखा था। तो अगर रखा था तो येस पे क्लिक करें, अगर नहीं रखा तो नो पे क्लिक करें। नीचे आता है आपका एक्स सर्विस मैन, अगर यस तो येस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। तो ऑटोमेटिकली ये लॉग हो जाएंगे आपके जो बाकी के ऑप्शन हैं, तो ये नो पे क्लिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता आपका वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन,
तो अगर यस है तो यस पे क्लिक करें, यहाँ पे आप अपना चूज़ करें जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूज़ करने के बाद जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने चूज़ कर दिया फर्स्ट। तो फर्स्ट चूज़ करने के बाद आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, जो भी होगी, MBA हो गया, MCA हो गया, जहाँ BTech हो गई, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। अगर आपकी 12th है तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना होगा नीचे। तो स्क्रॉल डाउन नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में दिख रहा होगा इंटरमीडिएट हाई स्कूल हायर एजुकेशन, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा 12th पे। तो नीचे आपको दोबारा उसको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्टेटस यहाँ पे अपडेट करना होगा, अपेयरिंग जब पास्ट जो भी होगा। तो पास्ट है तो पास्ट पे क्लिक करें, एयर ऑफ पासिंग एयर जो आपका है, उसके बाद कौन सी स्टेट से आपने किया है, और आपका नेक्स्ट बोर्ड कौन सा है, बोर्ड, उसके बाद रोल नंबर, परसेंटेज CGPA में है तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा कि आप अपनी ये जो डिटेल्स है वो शेयर करना चाहते हैं अदर पोस्टिस के लिए, अगर यस तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। तो नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एड्रेस जैसे दिखा रहा है, तो एड्रेस आप अच्छे से देख लें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये एक मेजर चेंजेस आया है। मैं आपको बता दूँ कि जो फोटोग्राफ है, अगर आप ये गलती करते तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन ऑलरेडी अलग से अपडेट की हुई है। तो जो आपका फ़ोटो होगा, यानी कि आपने जो भी यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मैं आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन रीड कर लें अच्छे से। तो इसमें यहाँ पे दिया होगा है कि इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का, वो 20 KB से 50 KB होना चाहिए। तो ये तो पहले की बात है, ये ऐसे ही होता था, लेकिन इसमें जो मेजर चेंज आया वो ये है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ होना चाहिए वहाँ पे जो जिस दिन का आपने फ़ोटो क्लिक किया उसकी जो अपडेट है वो मेंशन होनी चाहिए, प्रिंटेड होनी चाहिए उसके ऊपर। और ये फ़ोटो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पहले के 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नीचे आपको दिख रहा होगा ऐसे एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन दी फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड, वो एप्लीकेशन जो आपकी है वो रिजेक्ट हो सकती है अगर आपकी वो डेट मेंशन नहीं होगी। मैं आपको दोबारा बता दूँ कि अगर जो भी आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उसके ऊपर डेट मेंशन नहीं है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से सिंपली मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर दूँगा अपनी, यहाँ पे डेट मेंशन दिख रही होगी आपको, नेक्स्ट आता है सिग्नेचर, तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर भी अपने अपलोड कर दूँगा। तो नीचे आपको दिख रहा होगा जो भी डिटेल्स है, ये आप केयरफुली देख लें कि जो आपने फ़ोटो अपलोड किया वहाँ पे क्लियरली जो प्रिंटेड, मतलब आपका जो डेट है वो प्रिंटेड है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो डेट प्रिंटेड होगी वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। नीचे आपको जो मतलब लिखा होगा इन्होंने, वेदर द डेट मेंशन केयरफुली क्लियरली प्रिंटेड ऑन दी फोटोग्राफ, वो अगर है तो यस पे क्लिक, अगर नो पे क्लिक करते तो आपको जो आगे नेक्स्ट आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिंपली यस पे क्लिक करना और क्लियरली देख लें कि आपका जो फ़ोटो है वहाँ पे डेट मेंशन है या नहीं है। तो यस पे क्लिक कर दें। नीचे आपको सिंपली करना क्या होगा, आई एग्री पे क्लिक करना है। नीचे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप क्लियरली देख लें कि आप में कोई भी मिस्टेक तो नहीं की फॉर्म फिल करने के दौरान। तो अगर आपको कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं इसको दोबारा। तो प्रीव्यू करने के बाद देखिए जिस तरह से आपको यहाँ पे मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, बाकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया केयरफुली। तो अगर आपकी कोई भी गलती आपने कर दी तो एडिट कर दें, तो अगर नहीं है तो आप सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वार्निंग मैसेज शो होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे केयरफुली लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो कोई मिस्टेक आप एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन के बाद वो एडिट नहीं होगा। तो अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, तो आप सिंपली ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लेगा और यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो फॉर्म है प्रोविजनली सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली ओके पे क्लिक कर दें, यहाँ इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप प्रिंट कर दें इसको, प्रिंट करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपके PC या मोबाइल में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर था SSC CHSL एग्जामिनेशन फॉर्म 2020 को अप्लाई करने का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।